वेलकम टू माय चैनल। मैं मुशफाक और मैं आपके लिए आज फिर मैं त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक का वीडियो नंबर 3 लाया हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ त्रिकोणमिति का। वो आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया उसमें, और मैं 3-4 वीडियो ला रहा हूँ ताकि त्रिकोणमिति का लेसन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाए। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन के लगभग मैं ला रहा हूँ, ओके। और सारा क्वेश्चन लगभग NCERT का है। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी जो है NCERT का ही है, ओके। तो देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हो तो सोल्व किस तरह से करेंगे, कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कैसे सोल्व करना है, तो मैं आपको बता दूं, ओके। इसमें अगर आपको फार्मूला वगैरह याद है तो आप तो मास्टर बन जाएंगे, ओके, अन्य तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास फार्मूला किताब में होगा तो उसको याद कर लें, याद करने की कोशिश करें। और बहुत कुछ ऐसा फार्मूला है जो बनाते बनाते भी याद हो जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि अच्छी तरीके से पढ़ाई की जा रही है, ओके। और बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी मैट्रिक में। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 + tan²θ * sin²θ / tan θ। हमको लाना क्या है, tan θ लाना है। तो पहले तो हम LHS लिखते हैं। LHS क्या लिखा, 1 + tan²θ * sin²θ / tan θ। तो अब देखें हमको लाना क्या है, हमको लाना है tan θ लाना है, प्रूव करना होगा tan θ हमको प्रूव करना है। तो कोशिश करेंगे कि tan θ का फार्मूला sin cos में ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। ये देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ फार्मूला दिख रहा है 1 + tan²θ। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है sec²θ का, ओके। अगर आप फार्मूला याद किए होंगे तो पता होगा sec²θ का फार्मूला होता है 1 + tan²θ और * में यहाँ पे क्या है sin²θ / tan θ। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। sec²θ है, sec² को हम लिख सकते हैं 1 cos²θ, ओके। और sin² को तो sin² ही रहने देते हैं, और tan को हम लिख सकते हैं sin θ / cos θ। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 cos² का मतलब क्या समझ रहे हैं कि 2 बार लिखा हुआ है, cos θ, ओके, * क्या है sin θ, sin²θ। तो sin θ को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। ये देखिए, जब भाग को गुणा में पलटते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो cos कहाँ चल जाएगा, cos चला जाएगा ऊपर में और sin आ जाएगा नीचे, ओके। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ये स्क्वायर था, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। ये देखिए कटेगा, sin कट गया, cos कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा sin θ, नीचे बचा cos θ। अब आप बताइए sin θ / cos θ बराबर क्या होता है, tan θ। तो ये हमारा क्या होगा, RHS जो है प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो इसको फिर घंटों लग जाएगा बनाने में, समझ नहीं आएगा। तो फार्मूला अगर याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत आसान से इसको आप बना सकते हैं, ओके। देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, शायद आप लोग बना भी सकेंगे इसको। तो मेरे साथ आप खुद से बोलिए ताकि आपको रिविज़न हो जाए और फिर आप बाद में इस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। देखिए क्या करेंगे, LHS मेरा 1 - sin θ है, 1 + sin θ। इसको क्या करेंगे हम, करने जानते हैं आप, करने करेंगे 1 - sin θ / 1 + sin θ * ये प्लस जो है इसको हम करने करेंगे तो ऊपर माइनस से गुना करेंगे, 1 - sin θ / 1 - sin θ। ऐसा करने पे इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चूँकि ये तो कट जाएगा, लेकिन हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए 1 - sin 1 - sin, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin θ² चूँकि डबल है, 2 बार लिखा हुआ है। देखिए फार्मूला, a + b a - b, तो क्या हो फार्मूला, a² तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -b². फिर आप देखें 1 - sin²θ, 1 - sin θ का होल स्क्वायर है, ओके। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 - sin²θ का फार्मूला होता है cos²θ, ओके। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - sin θ / cos θ, दोनों में स्क्वायर, तो हमें इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं। अब जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया
तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं, वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, क्योंकि जब इसको एलसीएम करेंगे तो यही आने वाला आंसर। देखिए कॉस एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे वन आएगा, डिवाइड करेंगे साइन आएगा, वही आने वाला है, लेकिन इसको इसे लिखेंगे ताकि मेरा आंसर आ जाए। ओके, वन बाई कॉस क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा। तो यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था कि इसको प्रूफ कीजिए, देखिए आप। ओके, ये देख रहे आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ पर मेरा सेक थीटा माइनस टैन थीटा आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ डे हो गया हमारा। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया है बहुत जल्दी समय में। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, ओके, और कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। ओके, फिर मैं देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, देखिए क्या आप इसे बना पाएंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर बनाएंगे, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही एग्जाम में घूमते रहता है ये सारा। देखिए क्वेश्चन, अब इसको कैसे बनाएंगे, हमको वन लाना है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम तो एलएचएस उतारते हैं, सेक ए है, ओके ठीक ठाक, जहाँ पे ए दे दिया, घबराने की बात नहीं है, वन माइनस साइन ए, फिर क्या दिया, सेक ए प्लस टेन ए। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई कॉस, वन बाई कॉस में बदल सकते हैं क्या, इसको ऐसे रहने देते हैं, वन माइनस साइन, फिर देखिए ये सेक, इसको भी क्या होता है, सेक का फॉर्मूला वन बाई कॉस ए प्लस टेन को लिख सकते हैं क्या, साइन ए बाई कॉस, इतना तो कर सकते हैं, इतना करने के बाद इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको देखिए करेंगे, वन बाई कॉस ए इंटू वन माइनस, ये तो ऐसा ही था, इसको क्या करेंगे, देखिए कॉस एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, ओके वन प्लस साइन ए बच गया। अब देखिए ये क्या है, गुना में है, ये गुना में है, गुना में, यानी कि ये ऊपर में है, ये सब नीचे में है, ये ऊपर में है। देखिए फार्मूला होता है, इसको वन से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, देखिए वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, फार्मूला आ गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे ए होना है, थीटा हम बार में डाल रहे हैं, ये होगा। फिर देखें कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए कॉस ए, तो कॉस ए कॉस ए जब गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, होता कि नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए तो नीचे भी दिया हुआ है, अब देखिए दोनों सेम मिल रहा था तो कट जाएगा, क्या बचेगा, वन। तो कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है, आप इसे सोच नहीं सकते हैं। तो ये आसानी से क्वेश्चन अब बन गया है, आप इसको बार बार रिवीजन करें ताकि आपको फिर से अच्छी तरीके से समझ आ जाए, और किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। ओके ओके, तो बिना देर किए देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए तो क्या करते हैं हम लोग एलएचएस उतार लेते हैं, ये हमको वन प्लस सेक बाई सेक दे दिया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई वन माइनस कॉस कॉस थीटा, ये हमारा प्रूफ करना है। तो पहले हम एलएचएस उतारते हैं, वन प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, तो इसको करते क्या, पहले सेक को तो पहले कॉस में बदल लेंगे, वन बाई सेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस लिख सकते हैं बाई, इसको भी क्या लिखते हैं, वन बाई कॉस थीटा, यहाँ तक समझ रहे आप, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा हमको, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप भिन्न का जोड़ करते हैं तुरंत, तो वन को कॉस से भाग करेंगे कॉस आएगा, कॉस को वन से गुना करेंगे तो कॉस, ये सब आपका बेसिक है, ये आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। ओके भाई, ये बड़ा वाला जो भाई यहाँ दिया, अब वन बाई कॉस, तो ओके आप देखिए क्या करेंगे, ये बड़ा वाला भाग में है, इसको हम पलट देंगे गुना में तो उल्टा हो जाता है, देखिए कॉस थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा, तो भाग को पलटेंगे गुना में तो कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे बना जाएगा, ये कॉस कॉस का हो गया, कट गया, ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस वन, तो अभी तक तो मेरा आंसर आया नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें अब खेल शुरू होता है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसको क्या करें जो हम साइन में ला दें, अब वन माइनस साइन, नीचे सबसे बड़ी बात है, नीचे जो है वन माइनस साइन आना है, सॉरी वन माइनस कॉस नीचे आना है, ये देखना है। अब देखिए क्या करें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस वन, ये तो है हमारा पहले, हम इसको चाहे तो उलट के भी तो लिख सकते हैं। ओके इसको देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस कॉस थीटा प्लस वन, वन प्लस कॉस तो लिख सकते हैं, दोनों प्लस में ही है, उसका फिर क्या, ये तो ऐसे लिख दें, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इसको लिख दिया हूँ तो इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या होने वाला, कट जाने वाला है,
लेकिन हमारा आंसर आगे आने वाला है। ओके देखिए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। ओके नीचे हमारा क्या बच गया, नीचे हमारा कॉस थीटा बच गया। अब देखिए, अब तो आंसर के करीब हम लोग आ गए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही हमको प्रूव करने बोल रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। तो कितना आसानी से ये प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे हल्का से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि नीचे 1 माइनस कॉस कैसे लाना है। ओके 1 माइनस कॉस कैसे लाएं, तो 1 माइनस कॉस को दो बार गुना कर देते हैं तो नीचे भी तो मेरा नीचे रह जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, तो दोनों चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आने वाला है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। ओके और देखिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। पहले तो एलएचएस उतार लेते हैं, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग मेरे साथ बोलें और बोल करके बनाएं ताकि आपको पता चले कि आपको भी आ रहा है। ओके इसको क्या करेंगे, पहले तो करनी कर लेंगे। तो करनी करने का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ये कर लिए। तो फिर आप दिख रहे 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस दो बार दिख रहा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का और इसका लिख सकते हैं। उसका देखिए 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। फिर देखें इसका, तो इसको तो फिलहाल अभी हम वही लिखता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब जब ये हमारा ऐसे आ गया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा लाना भी इसी तरह से ओवर होल स्क्वायर होना चाहिए। ओके होल स्क्वायर होना चाहिए, तो हम भी होल स्क्वायर कर दें। अब फिर देखिए क्या लाने बोल रहा, कॉसिक लाने बोल रहा और कॉट लाने बोल रहा, तो हमको तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबको अलग अलग कर देंगे, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा। ये अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो फिर यही आंसर आने वाला है। तो इसको हम ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो 1 बाई साइन कौशिक होता है कि नहीं होता है, कौशिक होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये तो हमारा प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, देख देखिए प्रूफ करने बोल रहा था, ये कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से कितना ईजी से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लगभग 15 मिनट के आसपास करीब में हम लोग 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये मेरा तीसरा वीडियो बन रहा है और मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसको जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारा लगभग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने अंडरस्टैंड किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं सबको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, डेट्स ऑल, थैंक यू।